हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाता। मूढ़ता काम करती है स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया, आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति अंदर अशांति प्रवेश न कर पाए। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। शांत आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांति प्रिय हैं। हम क्या करते हैं, बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते, गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नुवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए।